मेवात में बीजेपी जिला पार्षद और ग्राम सचिव के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। हाथापाई का ये मामला थाने तक जा पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम सचिव का आरोप है कि बीजेपी के जिला पार्षद ने उन्हें पहले फोन पर हड़काया और फिर उसके बाद उसके कार्यालय में जाकर उसके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिला पार्षद का कहना है कि ग्राम सचिव ठेकेदार से पैसे मांग रहा था, जिसको लेकर वो कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में ग्राम सचिव के साथ आए दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की। बीजेपी जिला पार्षद तौफीक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास वो BDPO ऑफिस पिनगांव पहुंचे थे, जहां पर आलम निवासी तेड़ और विक्रम आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे और धमकी भी दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर उनके जेब से 2,000 रुपए छीन कर चले गए। मेरी सेक्रेटरी से कोई बहस ही नहीं हुई जिस चीज का वो मुद्दा उठा रहे हैं। मेरे साथ तो सेक्रेटरी साहब ने कराया जो कुछ हुआ है। मैं भी तो जनता का प्रतिनिधि हूँ। कल मेरे पास 1:45 पे कॉल आती है मेरे ठेकेदार की, क्योंकि हमारे पार्षद गणों के काम चल रहे हैं, तो वहां पे मेरा ठेकेदार पहुंचा हुआ था। ठेकेदार ने कहा कि भाई ये साइन कराना है, तो उसने कहा भाई साइन कर दूंगा, मेरे लिए 10,000 रुपये दे दो। मेरे साथ ठेकेदार साहब के साथ दो आदमी थे, तो मैं बैठा था शाह चौखा। ठेकेदार ने कहा कि भाई हम जायज काम कर रहे हैं, आपको भाई 10,000 रुपये किस बात का दूं? चलो 1,000-2,000 की बात है, 10,000 किस बात के दूं? हम लोग 10,000 बच भी नहीं रहे उसमें एक काम में, तो हम तो जायज काम कर रहे हैं, जनता का कर रहे हैं। हम तो लोग गरीब लोगों के कुंडे बन रहे हैं, गरीब लोगों के लिए पानी के हचकट लग रहे हैं, नल लग रहे हैं। तो उसने ठेकेदार ने मेरे को फोन किया कि पार्षद साहब इस तरीके की बात है। मैंने की बात करा सेक्रेटरी साहब से, तो उसने ठेकेदार के फोन से बात नहीं करी। मैं नहीं करूंगा बात। मैंने कहा यार इसका नंबर दे मेरे को, मैं बात करता हूँ। मैंने वहां पे सरपंच शाह चौखा थे और भी थे, ओथा गांव से भी थे, तो मैंने सेक्रेटरी साहब को वहीं से फोन किया शाह चौखा से। सेक्रेटरी साहब ये क्या बात है भाई, ये साइन करने के लिए आया, अगर आपको काम गलत लग रहा तो आप चेक कर आओ, अगर गलत लग रहा तो मत करो साइन। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा, आप सरपंच से ऑथराइज लो। मैंने कहा भाई आप इनसे तो कह रहे हो कि भाई पैसे दे दो कर दूंगा, मेरे से कह रहे हो सरपंच से ऑथराइज ले आओ कर जब करूंगा। भाई सरपंच हमारे उस अंडर में आता है कि हम सरपंच के अंडर में आते हैं, हम जिला परिषद के सदस्य हैं। हमारा आप जैसे कहो BDPO साहब से कहो या एक्शन साहब से कहो, तो जब तो हम तो मान लें SDO साहब के हैं हमसे। तो मैंने कहा कोई आपके पास आदेश है जो हम सरपंच से बोले? तो उसने फोन काट दिया। मैंने कहा अपने ठेकेदार को फोन किया कि BDPO साहब बैठे हैं कि दफ्तर? मैंने कहा हाँ बैठे हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा चल मैं आ रहा हूँ BDPO साहब से, मैं ये पूछ कहता हूँ भाई कोई आदेश आए हो, ऊपर से ऑर्डर हो तो मैं उसको फॉलो करूंगा, कोई बात नहीं। तो मैं वहां पे जब BDPO ऑफिस के गेट पे ही पहुंचा तो मेरे ठेकेदार का फिर कॉल आती है, कहने के सर इसने 2 गाड़ी भर के गुंडे बुलाए और आपको पीटने के लिए। अरे भाई मेरी कोई लड़ाई ना इससे, क्या मैं इस सेक्रेटरी को मैं जानता ना पूछता, मैंने अभी तक शकल से नहीं देखा, मैं ना उसने मैं शकल से देखा, क्यों बुलाएगा भाई? पता नहीं सर 2 गाड़ी आई है, एक क्रेटा गाड़ी है जिसका 1200 नंबर है और ब्लैक। मैंने कहा यार 1200 नंबर तो उसकी है, तेड़ के आलम की, वो चलो उससे मेरी कोई लड़ाई ना आलम से, भाई आलम वहां है तो, और वो पूरे दारू में दत्ते सब लोग। तो मैं जैसे वहां पहुंचा तो मेरे साथ वहां जाते ही हाथ तपाई हो गई, मेरे साथ वहां मारपीट की, मेरे जेब में से पैसे थे 2,000 रुपए। वही इस मामले को लेकर उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा का कहना है कि दोनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जाँच की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो धारा बनती है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला पार्षद काम से सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में गया था, उनसे कहा भी आप इस तरह को काम है इस तरह कर दो, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, उस पर दोनों की तरफ से फाइल लॉन्च कर दी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो धारा बनती है उसके उचित ही हमने कार्रवाई की दोनों तरफ। मेवात से संजय राघव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।